हमारी मांग है कि तमाम रसोईया संयोजिका जिसको हटा दिया गया है 2015 में, उसको जल्द से जल्द वापस कर ले। हमारी मांग है तमाम रसोईया संयोजिका को अस्थाई किया जाए और हटाओ बाहर की प्रक्रिया बंद किया जाए। हम लोग के साथ में शिक्षा मंत्री से भी वार्ता हुई अगले आंदोलन में, लेकिन वो हमारी आंदोलन को स्थगित करवाई, जिसमें बोली भी थी कि हम आपकी मांगे जो है वो जायज मांगे हैं, आपको हम पूरा करेंगे, जिसके कारण हम लोग आंदोलन को स्थगित किए। लेकिन साल भर होने चला लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई हमारी सरकार नहीं की है। अभी हम लोग फिर से आंदोलन स्टार्ट कर रहे हैं और हम लोग जब तक मांग नहीं मिलेगी तब तक आंदोलन चलाएंगे। हो सकता है कि 23 के बाद हम लोग को अनशन में भी हमारी झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका आंदोलन करेगी।